अयो इडली सबको पसंद है, सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम बनाने का। आज मैं आपको बताने का, सूजी लेने का और उसमें पानी डालने का, धीरे धीरे घुमाने का, जैसे घुमाते हैं ना घोल, ये घोल बनाने का। घोल तैयार है आपका, 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट देने का। 10 मिनट बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक इनो बहुत ज़रूरी, उसके बाद फिर से घुमाने का। जैसे इनो डालेगा तो ये फूल जाएगा। अपन का घोल तैयार। बर्तन में घी या तेल का ग्रीस लगाने का और उसमें डालने का, स्टीमर के सारे सांचे को भर देने का इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे भर दिया है जैसा देखे आप। उसके बाद स्टीमर में डालने का, पानी ज़रूर डालने का स्टीमर के नीचे, और ढक्कन लगाने का और 10 से 12 मिनट सेकने का, धीमी आंच पे स्टीम करने का। ये तैयार। उसके बाद थोड़ा ठंडा होने देने का और निकालने का। बन गया ना घना सॉफ्ट और नरम नरम, सॉफ्ट और नरम नरम इडली सांभर के साथ खाने का, सब्सक्राइब करने का तो और भी मज़ेदार इडली बनने का है ना। तुहाडे वास्ते बढ़िया रेसिपी। आइयो इडली सबको पसंद है, सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम बनाने का। आज मैं आपको बताने का, सूजी लेने का और उसमें पानी डालने का, धीरे धीरे घुमाने का, जैसे घुमाते हैं ना घोल, ये घोल बनाने का। घोल तैयार है आपका, 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट देने का। 10 मिनट बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक इनो बहुत ज़रूरी, उसके बाद फिर से घुमाने का। जैसे इनो डालेगा तो ये फूल जाएगा। अपन का घोल तैयार। बर्तन में घी या तेल का ग्रीस लगाने का और उसमें डालने का, स्टीमर के सारे सांचे को भर देने का इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे भर दिया है जैसा देखे आप। उसके बाद स्टीमर में डालने का, पानी ज़रूर डालने का स्टीमर के नीचे, और ढक्कन लगाने का और 10 से 12 मिनट सेकने का, धीमी आंच पे स्टीम करने का। ये तैयार। उसके बाद थोड़ा ठंडा होने देने का और निकालने का। बन गया ना घना सॉफ्ट और नरम नरम, सॉफ्ट और नरम नरम इडली सांभर के साथ खाने का, सब्सक्राइब करने का तो और भी मज़ेदार इडली बनने का है ना। तुहाडे वास्ते बढ़िया रेसिपी।